नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं आज का लाइव डेमो दिखाऊंगा, मेरा बाय सेल एक्सेल शीट से और जो ट्रेडिंग का मेरा जो ट्रेडिंग का सेटअप है उसमें उसमें से जो बाइंग एंड सेलिंग निकल के आएगा उसको वो कैसे परफॉर्म करता है, कैसे उसको उसका कैसे परफॉर्मेंस रहता है, वो कैसे मूवमेंट होता है उसका हिसाब से, तो वही आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए करके रखिए, क्योंकि मैंने ये बाई सेल से एक्सेल शीट से मैं जो बाइंग सेलिंग लेवल्स मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी इक्विटी कमोडिटी फ्यूचर्स का लेवल बेसिस पे देता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी का टुमारो जो देता हूँ वीडियो उसमें भी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, वो भी आप लोग बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और आप लोग इसमें ट्रेनिंग सेशन भी ले सकता है, मेरा ट्रेनिंग मॉड्यूल रहेगा रखा है, ट्रेनिंग मॉड्यूल है उसमें भी आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं और कॉल सर्विस भी ले सकता है। तो देखिए मैंने मैं आज का थोड़ा सा अपडेट कर लिया हूँ, मेल फाइल को डिस्टर्ब ना करते मैंने ऑनली निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का दिखाता हूँ, मैंने कुछ पेयर ट्रेडिंग का भी दिखाता हूँ। पेयर ट्रेडिंग आप लोग अडेप्ट कीजिए कर सकता है क्योंकि ये इंटरडे में और डिलीवरी बेसिस पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो आर्बिट्रेज के तरह से आर्बिट्रेज की तरह जो ऑलमोस्ट यूज प्रॉफिट देता है वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा मतलब पूरा ही लेट हो गया, लास्ट मोमेंट में इतना पेयर ट्रेडिंग में इतना नहीं आएगा, तो निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर में कितना आता है देखता है। तो देखिए मैंने अपडेट किया था तो फिर से लगता है अपडेट करना पड़ेगा। फाइनल प्राइस मैंने बैठा लिया बैठा था हूँ 19,819 इसका चल रहा है, 18,900 और इधर 19,497 चल रहा है, 19,497 ठीक है इसका चल रहा है और इसका चल रहा है 9125 9236 चल रहा 9259235343436 चल रहा है 9236 चल रहा है ठीक है। तो इसका लेवल एक बार देख लेते हैं, ये 9275 के ऊपर बाई हो सकता है, ये 19,520 के ऊपर बाई हो सकता है और 19,290 के नीचे सेल हो सकता है, 9,213 के नीचे सेल हो सकता है, और भी लेवल देखता है। इधर क्या दिखा रहा है देखता है, ये 19,514 के ऊपर, ये 9,248 के ऊपर बाई दिखा रहा है, 19,480 के नीचे तो चल रहा है, 62,427 के नीचे 392 के नीचे सेल होगा, 9164 के नीचे तो सॉरी ये 9224 के नीचे सेल दिखा रहा है ठीक है देख लेते हैं। और इधर कौन सा लेवल पे है, इस लेवल पे है 9240, ये 9216 का नीचे सेल दिखाएगा और 9264 के ऊपर बाई होगा, ये 425 460 के ऊपर ये सेल होगा, 4495 के ऊपर और इधर 19395 के ऊपर बाई होगा। तो ठीक है इधर इधर भी देख लेते हैं, इधर भी फाइनल प्राइस को जो उधर जो वोलेटिलिटी बेस्ड लेवल्स है उधर बैठा लेता है, इधर जो वोलेटिलिटी बेस्ड लेवल्स है सॉरी इधर भी मैंने अपडेट किया इसमें भी बैठा लिया, तो देखते हैं इसमें क्या लेवल निकल के आता है। मैंने वोलेटिलिटी बेस्ड कहना है इसके ऊपर फिबोनाची को भी देखूंगा, लेकिन फिबोनाची थोड़ा सा ऊपर देता है, ये 19,658 9,286 के ऊपर भाई होगा और 9,185 19,335 ये भी बहुत ही अच्छा काम करता है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर देता है सुबह से करता है तो ये भी लेवल अच्छा काम करता है। तो देखता है इसमें 9249 के ऊपर वाई होगा, 9254540 के ऊपर ये वाई होगा, 540 के ऊपर ठीक है, ये थोड़ा सा नज़दीक दिखा रहा है लेकिन ट्रेंड ऊपर दिखा रहा है। एनीवे तो इसका मैंने 9291 पकड़ते हैं, 9291 और 19671 के ऊपर वाई होगा ठीक है, 45 डिग्री एंगल से,
और सेलिंग का जो इधर से लेते आए 19,454 9,222 का नीचे, ठीक है 19,454 का नीचे 9,222 के नीचे चलिए देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। हाँ 22 के नीचे तो ऑलरेडी आ चुका है 454। एनी वे मैंने फिर से अपडेट कर लेता हूँ, फिर से फिगर बैठाता हूँ, एकदम फ्रेश आप लोगों को दिखाता हूँ, जो चला गया उसको छोड़ दीजिए। 399,405 19,405 चल रहा है इधर 92 ऑलरेडी, ये 9219 आ गया, एक लेवल तो आ चुका है। तो दिखाने से मैंने एकदम करंट जो दिखाऊंगा उसमें आप लोगों को दिखाऊंगा, तो इसका जो कैसे लेवल के निकल के आता है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। इधर देखिए 9274 के ऊपर भाई हो सकता है और 9219 के ऊपर भाई हो सकता है, ठीक है, और इधर सेल हो सकता है 9205 का नीचे और 19362 का नीचे, ठीक है चलिए देखते हैं क्या हो सकता क्या हो रहा है। 19362 के नीचे बैंक निफ्टी फ्यूचर सेल होगा, 9205 के नीचे निफ्टी सेल होगा और बाई होगा 19579 के ऊपर बैंक निफ्टी फ्यूचर और 9274 के ऊपर बैंक निफ्टी बाई होगा, ठीक है चलिए देखते हैं। मेरा नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, करता है ऐसा चलता है, अभी जाएगा और देखिए 9205 ऑलरेडी आ चुका है, इतना शायद लग गया है, नेट का वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। 9205 का नीचे, 9205 का नीचे ये 9192 उस जगह 9166 तक आ सकता है, ये 19362 के नीचे शायद आ चुका है, हाँ इसका भी आ चुका है 362 के नीचे, 357 दिखा रहा था, इधर 9205 के नीचे शायद आया नहीं है, 205 दिखा रहा था, एक बार मेरे को इसमें देखने दीजिए कैंडलस्टिक में देखने से पता चलेगा लगा है कि नहीं लगा है। 9205 गया के नीचे गया नहीं है और इधर तो 362 के नीचे कितना दूर तक आया था, इधर 362 के नीचे ऑलरेडी 325 आ चुका था, ठीक है 362 के नीचे ऑलरेडी 325 आ गया था, 9205 के नीचे गया नहीं है, फिर से आ रहा है देखते हैं, इसका देखना पड़ेगा लेवल 19362 के नीचे 320 तक आने वाला है, ठीक है उसके नीचे जाएगा तो 236 19236 ये 219205 के नीचे आया नहीं है, उसी का लेवल पर मैंने पकड़ के रखता हूँ। हाँ ये 205 के नीचे आ गया है, देखते हैं कितना तक तक आ सकता है। और आप लोग को एक पेयर ट्रेडिंग वाला भी आप लोगों को बताता हूँ, पेयर ट्रेडिंग भी बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों, तो इसको सेल करना है बाजाज ऑटो को सेल करना है और सन टीवी को बाई करना है, बाजाज ऑटो को 2470 में सेल करना है और बाई करना है सन टीवी को 374 में बाई करना है, ठीक है। तो देखिए ऑलरेडी 5 पॉइंट चला गया, ये एक ही जगह खड़ा है ऑलरेडी, आप लोगों को 5 पॉइंट आ चुका है, 5-6 पॉइंट आ चुका, इसको सेल किया इसको बाई किया 6 पॉइंट 7 पॉइंट ऑलरेडी देखिए आ चुका है। और इधर क्या चल रहा है देखिए 5 के नीचे 9192 का टारगेट लग गया है, 90 दिखा रहा था और इधर 338 तक आ गया है, ठीक है कितना दूर तक आया था 306 तक आ चुका था, ठीक है 306 तक इसका आ चुका था। तो और इधर जो आया है तो इधर कितना दूर तक आया था, इधर जो आया था 9200 का नीचे
नौ हज़ार एक सौ नब्बे दिखा रहा था, तो एनी 9190 तो इसका लग चुका था, 9190 इसका लग चुका था। इसका नीचे था ये 320 का नीचे ये 236 तक आ सकता है। इसका नेक्स्ट टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट नहीं, मेरे को फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको, अभी करेंट मार्केट प्राइस बैठाना है। ठीक है, आप लोग किस तरीके से ये काम करता है आप लोग खुद देख सकता है। ये करंट 341 उठ गया, ठीक है, ये 341 19341, और इसका प्राइस दिख रहा है 9000। इसका मैंने रहने देता हूँ क्योंकि इसका ऑलरेडी 9000, एक मिनट 5 मिनट का चार्ट देख लेता हूँ। इसका लगा, इसका नीचे आया था 9188, मतलब इसका एक टारगेट लग गया 9। इसका आप लोग इसके ऊपर देख सकते हैं ना दोस्तों, ऊपर इधर से आप लोग को प्राइस दिखता है। देखिए लो दिखा रहा है 9188, इधर देखिए 9188, ठीक है, 1435 में, ठीक है। तो वीडियो कब शुरू होना था वो भी आप लोग देख सकते हैं। एनीवे आप लोग के सामने ही है, कुछ टाइम वगैरह इतना देख सकते नहीं है, कुछ दूसरा कुछ नहीं हो रहा है, आप लोग के सामने ही इधर शो हो रहा है। 9214, तो इसमें 9210, ठीक है, 9210 कर देता है, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या भाई सेल लेवल निकल के आता है, फिर से देखता है। फिर से देखते हैं, और आप लोग पेयर ट्रेडिंग के ऊपर भी जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरा लाइव एग्जाम्पल मैंने जो दिखाता हूँ इसमें, अच्छा, इसका बाई का लेवल जाएगा 9265 के ऊपर और 19515 के ऊपर, और सेल का लेवल आएगा 9196 के नीचे और 19298 के नीचे, ठीक है दोस्तों। चलिए देखता है, ऊपर चलता है, इसका बाई का लेवल 19515 9265, ठीक है, और इधर सेल का लेवल है 9196 से नीचे। मैंने पहले जो 9205 से ये 9188 लग चुका है वो आप लोग देखा है, और इसका जो 9352 से 9362 से 19362 से 19306 कुछ आया था, 1906 या लगता है, देख लेते हैं फिर से एक बार इसका कितना दूर तक आया था, 19301 तक आया था, ठीक है। उसके बाद ये देखता है फिर से, ये ऊपर जाता है कि नीचे जाता है, और पेयर ट्रेडिंग का क्या हाल है, मैंने 2470 में बाजार ऑटो को सेल किया और इसको बाई किया है, सान टीवी को 374 में बाई किया है, तो 70 से ये 16 पॉइंट प्रॉफिट, इधर 1 पॉइंट लॉस, ठीक है। आप लोग इधर को इसको भी देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों पेयर ट्रेडिंग, ठीक से मतलब इसको इंटरडे में डिलीवरी में बहुत ही आसानी से आप लोग प्रॉफिट कमा सकता है। आप लोग सोच लिया मैंने 2470 में आप लोग मतलब एंट्री नहीं ले पाया, तो मैंने 5 पॉइंट नीचे भी पकड़ता हूँ, 2465 भी पकड़ता हूँ, देखिए ऑलरेडी 10-15 पॉइंट का प्रॉफिट आता है, 13 पॉइंट का प्रॉफिट आता है दोस्तों। 2452 चल रहा है ये, इसका चल रहा है अभी, इधर से ही आप लोग ट्रेडिंग क्लोज कर सकता है, प्रॉफिट बुक कर सकता है। इसको सोच लीजिए 1 पॉइंट इधर 200 क्वांटिटी आप लोग रखना है, तो इसका सोच लीजिए आप लोग फ्यूचर में करेंगे तो कितने क्या होगा। मैंने एक बार देख लेता हूँ सन टीवी फ्यूचर, सन टीवी का फ्यूचर कितना है, सन टीवी का फ्यूचर का लॉट साइज कितना है,
इसका 1200, ठीक है 1200, ठीक है। इसमें सोच लीजिए आप लोग को 1200 पॉइंट लॉस हो गया और बजाज ऑटो शायद 250 का है क्वांटिटी, तो उसमें 10 पॉइंट प्रॉफिट, मतलब आप लोग को 2500 का प्रॉफिट। तो शायद 250 का, हाँ 250 का लॉट साइज है, तो उसमें 2500 का प्रॉफिट, मतलब 1300 क्वान्टिटी प्रॉफिट। बोकारेज काटकूट का भी आप लोग को 1000 क्वान्टिटी बहुत ही सेफली आ जाएगा। जो लोग सेफ मतलब ट्रेडिंग करना चाहता है, बिल्कुल सेफ रहना चाहता है, इधर निफ्टी बैंक निफ्टी इतना मैं, अच्छा मैंने थोड़ा सा ऑप्शन भी दिखाता हूँ, निफ्टी सोच लीजिए 9300 का पुट लेता हूँ, 9300 का पुट, और निफ्टी 9200 का कॉल, मैंने शायद गलत ले लिया उसका, उसका मैं एक्सपायरी तक ले लिया, ठीक है इसका पुट का देख लूँगा। सुबह से आप लोग को दिखाऊंगा तो और भी अच्छा, ठीक है सुबह से अभी दिखाऊंगा। निफ्टी 9200 का कॉल ऑलरेडी है, नहीं तो नहीं दिखा रहा है, अच्छा कॉल दिखा रहा है, पुट डाला है निफ्टी 3300 का पुट, हाँ ठीक है। और इसका बैंक निफ्टी का सोच लीजिए, बैंक का कॉल 7 मई का लेता हूँ, और बैंक निफ्टी 9 इसीलिए दिखा नहीं पा रहा हूँ। निफ्टी पुट ठीक है, तो इसमें क्या है, जब इसका इसका सेल का लेवल आएगा तो इसका आप लोग कॉल पुट को बाई करेंगे, और इसका जब बाई का लेवल आएगा तो कॉल को बाई करेंगे। तो देखते हैं, इसका तो अभी थोड़ा सा साइड मूवमेंट चल रहा है, इसका बाई का लेवल क्या दिखा रहा है, बाई का बाई होने से पहले इसका रिवर्सल होना चाहिए, तो इसका 45 डिग्री एंगल देखना पड़ेगा, 19,500, क्योंकि इसमें देखूंगा तो फॉल्स हो जा सकता है, तो ये सर ऑलरेडी तो ऊपर चल रहा है, लेकिन इसमें मैंने नहीं करूंगा, इसका रिवर्स आने के लिए 45 डिग्री एंगल में आना चाहिए। मैंने आप लोगों को ट्रेनिंग में गन का जो चलता है, गन का स्ट्रेटेजी कैसे चलता है, गन एंगल का और वोलेटिलिटी बेस्ड लेवल्स और भी बहुत सारा चीज़ दिखाऊँगा, फिबोनाची का रिट्रेसमेंट और
ये जो वोलेटिलिटी बेस्ड लेवल्स है ना, प्रोबेबिलिटी सॉरी वोलेटिलिटी बेस्ड जो मोस्ट प्रोबेबल लेवल्स, वो भी बहुत ही अच्छा काम करेगा। ये देखेंगे ये लेवल्स भी आता है, ये देखिए इधर बाई दिख रहा है 9263 के ऊपर, 19439 के ऊपर, और इधर ये भी जो लेवल आ जाएगा तो इसका मतलब लेवल अचीव कर जाएगा। ये 9208 के नीचे सेल देख रहा है, 19267 के नीचे सेल देख रहा है, तो मैंने इसका लेवल नहीं लेता हूँ। ये भी मैंने करके तोड़ता हूँ, लेकिन मैंने इसमें जो लेवल जब सूटेबल रहेगा तो आप लोगों को ये सभी लेवल फिबोनाची प्रोबेबिलिटी बेस्ड लेवल्स, वोलेटिलिटी बेस्ड फिबोनाची गन लेवल्स और वोलेटिलिटी बेस्ड प्रोबेबिलिटी लेवल्स भी आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाया जाएगा। नहीं तो आप लोगों को कॉल भी दे सकता हूँ, आप लोगों को ट्रेनिंग में इतना आप लोग सोच सकता है कि इतना आप लोग को नहीं लेना है, मतलब दिमाग में नहीं लेना है, आप लोग को ट्रेड करना है, कॉल दीजिए तो आप लोग कॉल भी ले सकता है। एनीवे ऐसे ही सभी को सीखना सभी को नहीं आता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरा भी सभी चीज़ सीखने का नहीं होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए जब इसका 439 का ऊपर गया था, 439 का ऊपर, देखिए ये 595 चला गया था इसका ऑलरेडी। देखिए ये जो 5 मिनट का कैंडल दिखाता हूँ 249 का, ये 595 तक चला गया था, देखते हैं ये जो मैंने जो लेवल प्रिपेयर करके रखा हूँ उसको कैसे होता है। तो थोड़ा सा रिवर्सल आता है कि 19515 जाएगा, तो 19515 अभी तक आया नहीं है, 19515 जाएगा तो इसका 19000 ऊपर जाएगा, और 9265 चलूँगा तो पकड़ूंगा तो इसका लेवल आएगा 9265, 915 पकड़ूंगा तो तब भी ये 19555 तो इधर ही लग गया था। ठीक है, उस टाइम का मैंने नहीं पकड़ता हूँ, अभी से जो टाइम है उसमें पकड़ता हूँ, और 267 के नीचे सेल आएगा। आप लोग भी याद रखिए 19298 के नीचे सेल रहेगा, 9196 के नीचे इसका सेलिंग आएगा। देखते हैं इसका बाय और सेल लेवल जब आएगा तो इसका ऑप्शन भी प्राइस भी देखूंगा। ठीक है, कितना मूवमेंट हो रहा है देखते हैं, और एक बार ऑप्शन चेन को देख ले सकता हूँ कितना दूर तक इसका मूवमेंट हो सकता है। ऑप्शन चेन को देख लेते हैं, और इसके बाद मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूँगा, वो भी आप लोग चेक कर सकता है कितना अच्छी तरह से ये प्रॉफिट देता है, मतलब कितना अच्छी तरह से ये मैच करता है। बहुत सारा चीज़ मैंने उसमें एनालिसिस करूँगा, ये बहुत ही रिसर्चफुल मैंने और इंफॉर्मेटिव मैंने वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करके रखिए तो ये आप लोग को बहुत ही फ़ायदा होगा। और इसके बाद बाय सेल लेवल्स भी बहुत सारा बाय सेल वो भी बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, मैंने अभी दिखा देता हूँ। और कल का जो फाइल आप लोग को साथ दिखाया था वीडियो में उसका लेवल मैंने दिखाता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी का इक्विटी का भी दिखा देता हूँ। एनीवे इधर 9300 के ऊपर जाना तो मुश्किल लग रहा है, ठीक है, और इधर 9200 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना, लेकिन इधर शॉर्टिंग हो रहा है 9300 में भी शॉर्टिंग हो रहा है, ठीक है, तो इसका अंदर ही शायद रह जाएगा। 9200 ब्रेक करेगा तो 9100 का आसपास फिर से आ सकता है, और इधर 9000 में सपोर्ट है वो तो मैंने बोल दिया था, और इधर बैंक निफ्टी का 9300 के ऊपर जाना मुश्किल है, ये बात सही है, और इधर 9200 के भी तगड़ा सपोर्ट बना है, लेकिन इसका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट इधर से कम है, तो मार्केट इधर ही ड्राइव, मतलब नीचे वाला ड्राइव होने का, इसका सपोर्ट का जो स्ट्रेंथ है उसका कम है,
ठीक है, रेजिस्टेंस का स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो हो सकता है 9200 टूट भी सकता है, देखना पड़ेगा। और इधर निफ्टी, बैंक निफ्टी का देखते हैं, और आईबी का क्या पोजीशन है देख लेते हैं एक बार, कौन सा साइड में आईबी ज़्यादा है। इधर 50, इधर 44, तो इधर का आईबी ज़्यादा है, इधर का आईबी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो शॉर्टिंग, इधर का शॉर्टिंग जब होगा तो ये जो जब ऊपर जाएगा तो ये जल्दी से ऊपर भागेगा, नीचे आएगा तो थोड़ा सा कम भागेगा, ठीक है। तब भी 9300 के ऊपर जाना मुश्किल है। और बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का जो देखता है, बैंक निफ्टी कितना हो सकता है, अभी करेंट प्राइस तो चल रहा है 19482 पकड़ लेता है, तो 19482, 19500, 19700 में इसका है, 19500 में ब्रेक हो चुका हो सकता है। इधर 19300 में इसका 137, इसका सपोर्ट थोड़ा सा टकरा लग रहा है, 19300 ब्रेक करेगा तो इसका 19000 के आसपास आ सकता है, 19000 के आसपास आ सकता है। और इधर 20000, वो तो लंबा हो गया, मैंने फिलहाल जो हो सकता है वो देखना चाहता हूँ, 19600 का लेवल में ओपन इंटरेस्ट कम है, बहुत ही ज़्यादा है, 19600 अचीव नहीं हो सकता है, नीचे आने वाला का चांस ज़्यादा रखता है। इधर इंडिया इसका चार्ट भी एक बार देख लेता है, इधर इंडिया विक्स का जो है इसका क्या चल रहा है, इसका भी आज का जो ये पिस से एक तीन बार कैंडल बना है, ऊपर जा रहा जाने का प्रॉफिट दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा नीचे जाने वाला जा रहा है। जो मैंने आप लोग को कल जो डेली कैंडल में दिखाया था, तो डेली कैंडल में देखिए ये जो 20 से पेट गया है, ये 20 से ऊपर मतलब ये ब्रेक हो चुका है, इसका जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेक हो चुका है, और इसका ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। आज नीचे थोड़ा सा आ गया है, और इसका ये तीन बार कैंडल बना है, ये ऊपर जाएगा जरूर, दो तीन दिन में 20 से ऊपर जाएगा, देखते हैं। अभी साइडवेज मूवमेंट ही चल रहा है। एनीवे मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट देखता हूँ, अभी थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है, एक मिनट का डिस्प्ले करना है, एक एनालिसिस करना है। एनीवे मैंने रेंको का चार्ट पेपर करता हूँ, रेंको का चार्ट में पहले तो प्योरली प्राइस एक्शन दिखाता है, ये चार्ट का सेटअप भी आप लोगों को सीखा जाएगा, ट्रेनिंग सेशन और इंडिकेटर सब आप लोग रेंको कोई भी इंडिकेटर लगा के, किसी भी इंडिकेटर आप लोग लगा के रेंको लगाइए, देखे देखेंगे आप लोग को मतलब एकेनासी कैंडलस्टिक ये सब से आप लोग को ये इंडिकेटर भी बहुत स्मूथ दिखाएगा, आप लोगों को बहुत क्लियर दिखाएगा, और ये प्योर प्राइस एक्शन से चलता है, टाइम फ्रेम वगैरह ये सब वगैरह प्राइस एक्शन अलग से नहीं देखना पड़ेगा, और इसका वोलेटिलिटी भी आप लोगों को पता चल जाएगा। एक एक बॉक्स का जो साइज होता है इसका 530, देखिए 483, तो मतलब इसका सोच लीजिए 1737 पॉइंट इसका दे रहा है, मतलब टारगेट स्टॉप लॉस भी आप लोग ऐसा रख सकता है इसका वोलेटिलिटी का बेसिस पे, बहुत सारा चीज़ इसमें रेंकोस में सुविधा होता है। आप लोग पैटर्न देखिए, ट्रेंड लाइन डेटा को, ये बहुत सारा पैटर्न ट्रेंड लाइन ये बहुत ही सुविधा हो जाता है, क्योंकि ये प्योर प्राइस एक्शन से ही चलता है, इसका टाइम का कुछ फैक्टर को ये नेगेट करता है। इसका जो 9265 का लेवल आएगा नहीं शायद, नीचे ही क्लोज होने वाला है, ऊपर का लेवल जाएगा नहीं, 9300 उड़ना मुश्किल है, और इधर 19600 के ऊपर जाना मुश्किल है, 500 के ऊपर जा सकता है, देखना पड़ेगा, 515 के ऊपर बाई का लेवल है। और इधर देखिए पेयर ट्रेडिंग एक बार तो भी से दिखा दिया,
फिर से मैंने सोच लीजिए इधर से। अच्छा मैंने और भी एक एग्जांपल देता है, एक्चुअली ये दोनों का वोलेटिलिटी ज़्यादा है। HDFC बैंक HDFC को लेता है और HDFC को सेल करना, HDFC बैंक को सेल करना है, HDFC को बाई करना है। 940.20 में सोच लीजिए HDFC को सेल किया 940 में, और इधर 1722 में इसको बाई किया है। दोनों का ही 500 का लॉट है, सही जाए। इधर सोच लीजिए 10 पॉइंट इसका स्टॉप लॉस रखेंगे, इधर 5 पॉइंट स्टॉप लॉस रखेंगे। इधर 1722 इधर 940 इसको सेल किया है, इसको बाई किया है। बहुत ही अच्छी तरह से जो लोग मतलब सेफ ट्रेडिंग करना चाहता है एकदम मतलब हेजिंग करके सेफ ट्रेडिंग करना चाहता है, एक साइड में लॉस आएगा लेकिन दूसरे साइड से प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा, तो उसमें से आप लोग ये कर सकता है। ये 515 के ऊपर वाई है, देखते हैं 515 के ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। 515 के ऊपर ये 9265 के ऊपर, 515 के ऊपर 605, लेकिन 600 का ऊपर जाएगा लगता नहीं है। 547 चला गया 515 के ऊपर, 547 तो हो चुका है, देखता है इसका ऊपर आएगा मतलब 592 के ऊपर जाएगा। तो मेरा नेट का कनेक्शन फिर से चला गया, 582 हो गया, 515 के ऊपर 582 हो गया, 84 देखता है, 92 हाँ 605 टारगेट, फर्स्ट टारगेट लग गया है। 515 के ऊपर इसका 600 के ऊपर चला गया 605, इसके बाद 696 जा सकता है, देखता है। और इसका 9265 के ऊपर गया क्या नहीं गया, हाँ 9265 के ऊपर गया नहीं है, फाइट कर रहा है 965 का तोड़ने के लिए, 65 में मतलब सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, तोड़ नहीं पा रहा है। हाँ 67 गया है, देखता है इसका नेक्स्ट लेवल है, इसका 9295 तक जा सकता है, 9300 का जाएगा इतना लगता नहीं है, देखता है। फिर सभी समय पर्टिकुलर ये लास्ट मोमेंट में पूरा लेवल अचीव नहीं हो सकता है, तब भी तो बैंक निफ्टी मतलब 100 पॉइंट का मूवमेंट दिखा दिया 515 से, उस टाइम 362 से 301 आया था, तो निफ्टी फिर से नीचे आ जाता है 2 पॉइंट ऊपर जाके। एक्चुअली इस समय ट्रेड लेना सही नहीं रहता है, तब भी मैंने जस्ट जो बाई सेल बाइंग एंड सेलिंग लेवल्स का जो कैसे आता है और कैसे काम करता है वही दिखाता हूँ। फर्स्ट टाइम वो 2:30 के बाद वो चला गया, अभी इस टाइम ट्रेड लेना ठीक नहीं रहेगा, 3 के बाद कुछ ट्रेड लेना, तब भी देख लेता है। 67 का ऊपर 65 के ऊपर 67 गया था ये, और उससे नीचे जाएगा का ऊपर जाएगा, देखता है। हाँ 72 हो गया 73 हो गया, इसी का आप लोग प्रॉफिट बुक कर 10.75 78 हो गया, 95 का टारगेट 82 83 हो गया है, और 95 का टारगेट इधर आप लोग को 20 पॉइंट में अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आप लोग जो लोग ट्रेड करता है हर रोज जो मतलब इंटरनेट ट्रेडिंग करता है, 20 पॉइंट में ये 3 के बाद प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये 605 के ऊपर इसका नेक्स्ट लेवल 696 इसका आ गया है, 56 आ गया है, 658 आ गया है, तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से। अच्छा हो मैंने ऑप्शन का तो दिखाने का भूल गया था, इसका कॉल ऑप्शन बाई करना चाहिए था, शायद कुछ 353 पॉइंट चल रहा था उस टाइम, कुछ 300 का लेवल चल रहा था, इसका भी कुछ 103 ऐसा कुछ चल रहा था, 122 103 मैंने दिखाने के भूल गया था, लेकिन आप लोग भी देख सकते हैं जब से
भाई ये 700 का ऊपर चला गया, ये 9,595 अचीव हो गया है, 9,595 या 93 दिखाया, 9,293 मैंने देखा नहीं, आप लोग भी देख रहा है। और इसका भी देखिए 450 से अभी भी 500 हो गया है ऑलरेडी, मैंने इधर से भी देखूंगा तो इसका भी 123 130 तक हो गया है, 5-7 पॉइंट का चला आया, ये भी 50 पॉइंट के ऊपर चला गया था, 350 ऐसा कुछ था, ये 150 पॉइंट का ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है ये ऑप्शन का, इसका कॉल ऑप्शन और इसका कॉल ऑप्शन, निफ्टी का कॉल ऑप्शन। अब लोगों को पैट ट्रेडिंग भी दिखाया, पैट ट्रेडिंग इसमें देखिए इसको सेल किया था और इसको सेल किया था कितने में, 944 शायद है ना, ये 7 पॉइंट का ऊपर गया, इसको बाई किया था इसका 22 में, ये 18 पॉइंट का दे रहा है, मतलब दोनों का ही आप लोग लॉट साइज 500 है, आप लोग इक्विटी में भी करेंगे तो एक ही क्वांटिटी में ले सकता है, तो आप लोग को देखिए इधर 18 पॉइंट और इधर 7 पॉइंट, मतलब 11 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है आप लोग को, काट कूट के भी आप लोग को 5,000 के ऊपर काट कूट के कितना जाएगा, 300-500 ब्रोकरेज जाएगा, मैं इसका इधर से देख सकता है ऑलरेडी, ये 24 के ऊपर 18 पॉइंट इसका किया और ये सेल किया था, इसमें 7 पॉइंट लॉस आएगा। मेरा वीडियो रिवाइंड करके भी आप लोग देख सकते हैं मैंने कितना प्राइस दिखाया था, ऑप्शन प्राइस का मैंने दिखा नहीं है। ठीक है दोस्तों, यही ख़त्म करता है, होप आप लोग वीडियो एंजॉय करेंगे तो और मेरे को ज़रूर फीडबैक देंगे, और आप लोग ट्रेनिंग लेना चाहता है ये जो वाइसल लेवल मैं से कैसे कैलकुलेट करता हूँ, कैसे चार्ट को रीड करता हूँ, तो वो भी आप लोग देख सकते, मतलब ट्रेनिंग भी आप लोग को सीखा भी जा सकता है, जो लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, जो लोग ट्रेनिंग लेना नहीं चाहता है तो इसमें मेरा ट्रेनिंग मॉड्यूल भी उसमें आप लोग को दिखा जाएगा, दिखेगा कैसे कैसे इसका, आप लोग को इधर से भी देख सक दिखा देता हूँ इसमें कैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या रखा। और आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का जरूर फॉलो कीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस करता हूँ वो भी बहुत ही अच्छी तरह से, वो अच्छा एक चीज़ मैंने दिखाने के लिए भूल गया, वीडियो ख़त्म होने के पहले मैंने वो भी दिखा देता हूँ, कल का व्यू जो मैंने दिया था बाई सेल का, उसका आप लोग को बाई सेल लेवल आज कैसे काम किया वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ, बहुत सारा लेवल्स दिखाता हूँ तो उसमें कैसे काम करता है उसको को एक बार दिखा देता हूँ। तो निफ्टी बैंक निफ्टी जरूर फॉलो कीजिए, आप लोग को मतलब फायदा फायदा बहुत ही फायदा होने वाला है, और इसको सब्सक्राइब करके रखिए, इसको भी आप लोग को बहुत ही फायदा होने वाला है, आप लोग को बहुत सारा चीज़ इसमें मिलेगा, ये देखिए ट्रेनिंग का मॉड्यूल में मैंने ये सब चीज़ आप लोगों को सिखाऊंगा और बहुत ही कम कॉस्ट में, जो आप लोग को मैंने गारंटी देता हूँ आप लोग को 50,000 के नीचे तो नहीं मिलेगा, 50,000 से 1,00,000 रुपये आप लोग को खर्च करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग बिना सीख के करेंगे तो आप लोग को मार्केट को देना पड़ेगा, और नहीं तो आप लोग कॉल सर्विस भी ले सकता है। जो लोग सोच रहा है कि और दूसरा कुछ देख रहा है तो अभी आप लोग को ले लेना चाहिए, जो आप लोग ट्रेडिंग करेंगे ये मार्केट में ट्रेडिंग करके डिसाइड करेंगे तो आप लोग को आइडिया सीखना चाहिए, और जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है ये टेक्निक अपना के देखिए एक बार तो कैसे अच्छी तरह से ये काम करता है। तो होपफुली आप लोग पेयर ट्रेडिंग भी पसंद करेंगे, आर्बिट्रेज बहुत सारा लोग पसंद करता है लेकिन पेयर ट्रेडिंग को आप लोग को दिखा दिया, पेयर ट्रेडिंग से आर्बिट्रेज इंटरडे के अंदर, पर्टिकुलर इंटरडे के अंदर पेयर ट्रेडिंग में बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही सेफ तरीका से प्रॉफिट कमा जा सकता है। अच्छा वो मैंने फाइल अगला दिन का जो मैंने दिखाया था वो आप लोग को दिखा देता हूँ, दिन का जो वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है दोस्तों, इसमें मेरा प्रॉब्लम आता है, एक मिनट इसके बाद तेरी
क्या होगा, का फाइल ओपन करता हूँ। उसका निफ्टी बैंक निफ्टी और एक इक्विटी का आप लोगों को दिखा देता है, ठीक है। तो आप लोगों को ठीक है, दो इक्विटी दिखा देता हूँ। मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग को उसके लिए मैंने थोड़ा सा तकलीफ उठाता है। देखिए, फायदा आप लोगों का 100 गुना ज़्यादा है, मैंने YouTube बनाता हूँ, इतना सारा कैलकुलेशन करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा फ़ायदा ज़रूर है। तो कोई फ़ायदा बिना कुछ नहीं करता है, ठीक है ना। तो मैंने हाँ, लेकिन आप लोग को बहुत ही फ्री में भी बहुत सारा लेवल्स आप लोग को दिखाता हूँ। ये जो लेवल्स है एक दिन का, आप लोग बाइसल लेवल्स देखेंगे तो आप लोग को एक दिन का ट्रेड आराम से हो जाएगा। जितना सा ये 3-4 तो इक्विटी, 4-5 तो इक्विटी, उसके बाद कैंडल स्टिक पैटर्न क्या कौन सा ये सब आप लोग को 100 डे ईमेज स्ट्रेटेजी का आराम से भी फ्री में मिल जाएगा। तो जो लोग वो भी देख के ऑलरेडी आप लोग को एक दिन का, तो इसका आप लोग सब्सक्राइब करके रख लें, आपका फ़ायदा भी या एटलीस्ट नुकसान नहीं होगा। तो एनीवे देखिए, इधर 20,064 का बाई था, 9,367 के ऊपर सेल का बाई का लेवल था, ये लेवल के पकड़ के करूँगा तो 9,309 का नीचे मैंने ये लेवल को देख लेता है। ये लेवल कितने से कितने में ओपन हुआ था निफ्टी बैंक निफ्टी, इधर इसका 19,200, मैंने थोड़ा सा कैंडल स्टिक चार्ट लगा लेता हूँ, ये भी चलेगा। इसका तो नीचे का लेवल पहले ये 18,293 आ गया था, 915 में ही एक्चुअली ओपन होके ये नीचे आ गया था ना, ठीक है। इसका कैंडल एक्चुअली इसमें एक्चुअल प्राइस नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन इनको मैं मेरे कैंडल स्टिक पैटर्न कैंडल स्टिक को एक बार देख लेता है। कैंडल स्टिक में पहले इसका ओपन हुआ था 19,270 हाई गया था, उसके बाद ये आप लोग पकड़ सकते थे, सॉरी इसमें जो पकड़ सकते थे इसको 19,790 का नीचे से, 790 का नीचे इसका पहला लेवल था, कितना कितने में पकड़ सकता है सोच लीजिए। एक कैंडल का नीचे आप लोग पकड़ लेंगे तो इसमें 18,961, उसके बाद 18,961 के बाद ही 18,900 तक आ गया था पहले ही, ठीक है। उसके बाद इसका जब बाई का लेवल गया था, बाई का लेवल गया था 20,000 के ऊपर, तो ये आज गया ही नहीं शायद, नहीं 20,000 वाई का लेवल इधर इस लेवल से लेवल नहीं आया था। तो मैंने जब लेवल आप लोग को दिखाता हूँ, बहुत सारा लेवल्स कंपेयर करके दिखाता हूँ, उसके बाद इस ये लेवल जब का नज़दीक रहता है तो ये इस लेवल को आप देख सकते थे, इस लेवल को देख सकते थे 19,696 के ऊपर वाई था, तो वाई का लेवल तो उस टाइम फर्स्ट टाइम में नहीं आया था। उसके बाद इसका 19,660 से इसका सेल का लेवल था, 19,660 का नीचे जब इसका सेल का लेवल था 19,273, उसके बाद नेक्स्ट लेवल देखना पड़ेगा। नेक्स्ट लेवल में इसका नेक्स्ट लेवल पे इसका जो आया था 293 के नीचे, 293 के नीचे देखिए इसका कितना दूर तक आ गया है, मतलब 121 ये 18,900 तक आ गया था। और इसका लेवल देखते हैं तो सॉरी इसका वो लेवल नहीं दिखा है, और इसका लेवल भी आप लोग 360 का भी लेवल देख सकते हैं ना, गैप डाउन होता है ना तो इसका लेवल बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि ये फर्स्ट साइकिल सेकंड साइकिल थर्ड साइकिल को देता रहता है। 1748 के ऊपर इसका वाई का लेवल था, 1748 के ऊपर ये 19,748 के ऊपर ये जब गया था तो इसका
19,819 तक ये हाई गया था, 19,819 तक ये हाई गया था, इधर 19,819 तक हाई गया था। और इसका जब इसका सेल का लेवल आया था ना, मैंने इसका नेक्स्ट लेवल देखना पड़ेगा, जब इसका 19,226 के नीचे देखिए, इधर 18,000 के 18,900 लेवल तक आ गया था, 19,200 ये तो ओपन हुआ था कितने में, ओपन हुआ था इसका जो ओपन हुआ था 19,270 में, ये 18,961 दिखा रहा है, फिर 961 का नीचे ये आया था 18,900 तक, उसके बाद ये आप लोग बाई सेल लेवल को पकड़ सकता है। एक्चुअली इसको लाइव मार्केट में जब अपडेट करता हूँ तो और भी इसका आपको देखना पड़ेगा, मतलब अच्छा दिखाता है, ठीक है। इसके बाद मैंने देखता हूँ निफ्टी का, देखता हूँ निफ्टी का लेवल, निफ्टी का लेवल किस में आता था, बाई का लेवल शायद गया नहीं था, 9367 तो हुआ नहीं है, 9367 तो गया नहीं था, 9367 गया नहीं था, कितना 9367 के ऊपर थोड़ा सा गया था, 9370 तक गया था, उसके बाद ये 9309 के नीचे जब आया था इसका, चलिए तो ऊपर ही 9309 के नीचे ये आ गया था, 9125 का तक आ गया था, ठीक है। और इस लेवल को भी आप लोग चेक कर सकता है, एक्चुअली जब मतलब गैप अप गॉट डाउन है, मतलब अगला दिन का लेवल से आप लोग जब काम करना चाहता है तो इस लेवल को फॉलो करना सही रहेगा, नहीं तो इस लेवल को, क्योंकि इसका अंदर रहता है। आप लोग इसका सोच लीजिए, 19,200 में इसका ओपन हुआ था, 19,293 में, उसके बाद वो पहले नीचे आया था, उसका लेवल पकड़ते थे तो आप लोग को क्या होता था, 19,000, मैंने तो ये सब लेवल आप लोग को 19,293 का लेवल से आप लोग को देखिए 18,900 तक इसको आ गया था, और उसके बाद ये इसका जब ऊपर गया था 319 के, उसके बाद ये लेवल, ये सब लेवल आप लोग पकड़ सकते थे तो कितना ऊपर तक चला गया था, ठीक है ना। इसका लेवल, ये मूरिस मैथमेटिकल लेवल्स भी आप लोग पकड़ सकते थे। और ये इसका जो कि जब ओपन हुआ था, कितने में ओपन हुआ था एक बार देख लेते हैं, 9214 में ओपन हुआ था, उसके बाद वो नीचे आया था, 9214 में जब पहले आप लोग को देख लेना है तो 9214 में जब ओपन हुआ था, उसके बाद ये कौन सा लेवल पे पड़ेगा, 9216 का नीचे जब आया आने था, आया था, तो इसका जो लेवल है ये लोएस्ट सपोर्ट है, इसका छोड़ना है, ये इसका देखना है 9167 ये 9125 के ऊपर आ गया था, उसके बाद इसका जब बाई का लेवल धीरे धीरे अचीव किया तो ऊपर भी, ऊपर का लेवल भी 9073 भी आप लोग को इधर रिटेस्ट होकर गया, 9073 के ऊपर भी आप लोग को अचीव हो गया था। और इसके बाद इक्विटी थोड़ा सा देख लेता है, ठीक है, सामने जो मिल रहा है वो दिखा देता हूँ। सोच लीजिए अल्ट्रासम को थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, अल्ट्रासम का ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, इसमें फ्यूचर में बहुत मज़ा आता है काम करने के लिए, मैंने भी बहुत किया हूँ। अल्ट्रासम को देखते हैं कैसे बिहेव किया अल्ट्रासम को इसका चार्ट देख लेता है, ये कितने में ओपन हुआ था, कैसे बिहेव किया, 3300 पे ओपन हुआ था इसका, तो 3300 ओपन 3250 आ गया था, उसके बाद फिर से ऊपर गया, तो देखते हैं इसका लेवल्स अब लोग, ये 3392 के ऊपर वाई का लेवल था, 3392 तो गया नहीं है, और सेल का लेवल भी शायद इसका आया नहीं है, देखते हैं सेल का लेवल, 3359 का नीचे सेल का लेवल था, तो 3359 का नीचे आप लोग आसानी से पहले तो इसका थोड़ा सा नीचे 3359 का नीचे जब
आया था, सोच लीजिए इधर 3359 के नीचे आया है, तो इधर लगभग 3330 तक, मतलब ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का प्रॉफिट। इसके बाद फिर से तो और भी नीचे गया था। नेक्स्ट लेवल भी आप लोग देख सकते हैं, उसका नेक्स्ट लेवल भी आप लोग देख सकते थे। इसका जो नेक्स्ट लेवल जो है, ये सब लेवल्स आप लोग अचीव कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप लोग फीडबैक दीजिए और निफ्टी बैंक निफ्टी को फॉलो कीजिए, उसमें भी बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और वाइस लेवल जो रात में दिखाऊंगा वो भी बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो अभी वीडियो यही ख़त्म करता है, बहुत ही लंबा हो जा रहा है।